पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ ड्यूटी के दौरान हुई दुष्कर्म और निर्मम हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना के विरोध में पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू मायागंज अस्पताल भागलपुर के जूनियर डॉक्टरों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने इमरजेंसी सेवाओं को बाधित कर काला बिल्ला लगा विरोध प्रदर्शन किया है। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि डॉक्टरों को धरती का दूसरा भगवान कहा जाता है, लेकिन आज डॉक्टर खुद सुरक्षित नहीं हैं। डॉक्टर प्रियंका ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए मांग की कि दोषियों को सख्त सजा दी जानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। वहीं डॉक्टर सौरभ ने इस पर जोर देते हुए कहा कि यदि इस घटना में राजनीतिक समर्थन मिल तो अब तक न्याय मिल गया होता। वहीं घटना के 5 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अभी तक दोषियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जिससे डॉक्टरों में भारी आक्रोश है। अस्पताल में इसी विरोध के चलते इमरजेंसी सेवाओं को प्रभावित कर दिया गया है, जिससे आम जनता को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं डॉक्टरों की इस मांग और आक्रोश ने एक बार फिर से देश में चिकित्सकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हमने कहा यही सेम है कि कम से कम जो जितने भी गुनाहगार हैं सबको पूरी के पूरे सब गुनाहगार को एक्सपोजर मिले और पता चले कि किनों किनों किया है, और सबको फांसी की सजा होनी चाहिए और या इतनी कड़ी सजा उनको होनी चाहिए कि आगे कोई भी इस तरह का क्राइम करने से पहले सोचे। और एक डॉक्टर्स के लिए सेंटर प्रोटेक्शन एक्ट आए और महिलाओं को उनके अलग रूम्स या उनके लिए प्रॉपर सुरक्षा होनी चाहिए ताकि वो सुरक्षित होकर अस्पताल में काम कर सकें। भागलपुर अंग जनपद की प्रसिद्ध लोक गाथा बिहला बिसरी की अनूठी कहानी एक बार फिर से जीवंत हो उठी है। इस लोक गाथा में चांद सौदागर, बिहला बिसरी, नागमनियार और बाला लखिंदर जैसे प्रमुख किरदार शामिल है। दरअसल यह गाथा अंग जनपद की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। बता दें कि 17 से 19 अगस्त तक आयोजित होने वाले माँ बिसहरी बिहुला मेले की तैयारी जोर शोर से चल रही है। वहीं प्रशासन द्वारा मेले के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं मूर्ति कलाकार माँ बिसहरी की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में व्यस्त हैं। शुक्रवार को शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर पंडित भगत और फुलदरिया गंगा स्नान कर विधि विधान से पूजा प्रारंभ करते हुए दिखाई दिए। इस मौके पर भागलपुर कचहरी चौक स्थित दुर्गा मंदिर के दुर्गा स्थान पर एक भगत को त्रिशूल के साथ साक्षात माँ दुर्गा के रूप में देखा गया। वहीं श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह के साथ बिसहरी माता और दुर्गा माता के जयकारे लगाए। वहीं बिसहरी पूजा के उत्सव ने पूरे शहर को भक्ति और श्रद्धा के माहौल में भर दिया है। भागलपुर में बिसहरी पूजा को शांतिपूर्वक संपन्न कराने और थानों में जब्त शराब का शीघ्र विनिष्टीकरण कराने के उद्देश्य से शुक्रवार को समीक्षा भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में भागलपुर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार, नवगछिया SP पूरन झा, सिटी SP श्री राज, नवगछिया पुलिस जिला और कहलगांव के पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी, पूजा समिति के सदस्य और कई अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि अंग जनपद की प्रमुख पूजा बिहुला बिसहरी पूजा को सभी पदाधिकारी मिलकर शांतिपूर्वक संपन्न कराएं। साथ ही उन्होंने जिले के विभिन्न थानों में जब्त अवैध शराब के जल्द विनिष्टीकरण के भी निर्देश दिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कानून व्यवस्था कायम रहे और पूजा के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो। वही बैठक में पूजा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और अन्य आवश्यक तैयारियों पर भी चर्चा की गयी। भागलपुर के सुल्तानगंज में एक और बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें 3 कांवरिया हाई टेंशन तार की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गए हैं। ताजा घटना शुक्रवार दोपहर 11 बजे की है, जहां सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम के प्रखंड क्षेत्र तिलकपुर गांधी घर के पास कांवरिया पार्किंग से 500 मीटर पीछे हुई है, जहां माँ बेटा और एक बच्ची करंट की चपेट में आ गए। बताया जा रहा है कि घटना तब घटी जब 40 वर्षीय रासो देवी बस की छत पर कपड़े सुखाने के लिए डाल रही थी। इसी दौरान उनका भीगा कपड़ा ऊपर से गुजर रहे 11,000 किलोवाट हाई टेंशन तार से सट गया, जिससे उन्हें करंट लग गया। उसकी मदद के लिए आया उनका 17 वर्षीय बेटा देव कृष्णा, या वह भी करंट की चपेट में आकर अचेत होकर बस की छत से जमीन पर गिर पड़ा। वहीं बस के गेट पर खड़ी 6 वर्षीय बच्ची भूमिका भी करंट से गंभीर रूप से झुलस गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत सभी घायलों को रेफरल अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें मायागंज अस्पताल भागलपुर रेफर कर दिया।
घायलों की पहचान नेपाल के राजविराज जिले के लक्ष्मी यादव की पत्नी रासो देवी और उनके पुत्र कृष्णदेव यादव, साथ ही जिला सप्तरी बौद्धिवर से निवासी किरण यादव की पुत्री भूमिका के रूप में हुई है। घटना के बारे में साथ आए कांवड़िया राजकुमार यादव ने बताया कि वे लोग एकादशी के मौके पर जल भरने के लिए बस से 50 लोगों के साथ सुबह यहाँ पहुँचे थे, जहाँ गंगा स्नान के बाद अधिकांश कांवड़िया पैदल देवघर के लिए रवाना हो गए, जबकि कुछ लोग बस में लौट आए। इस दौरान यह हादसा हुआ। वहीं पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। दरअसल यह हादसा एक बार फिर से कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा मानकों की कमी को उजागर करता है। जो मैं उधर सुल्तान, मतलब मेरा घर नेपाल में, मैं नेपाल से आया। हम हमारे गाँव नेपाल में सब लोग एक गाड़ी करते हैं, बोलबम जाने के लिए। तो हम बोलबम आए इधर सुल्तानगंज आए। सुल्तानगंज में एक तो रास्ता था उधर, अब तो गाड़ी जाने वाला नहीं था, गाड़ी उधर राख दी। अब गाड़ी उधर राख दी, हम लोग सब गए सुल्तानगंज, जल लाए सुनाए, फिर जल लिए। पर जल लेकर आया ना मैं, तो वो गाड़ी निकल गया था। जिन गाड़ी पाया था वो गाड़ी निकल गया। तो हम लोग दूसरे गाड़ी वाला को बोले, भैया हमें भी ना चलो उधर, चली जिधर मेरा गाड़ी होगा। तो बोले वो ठीक है। अब हम तो लाए सुनाए थे, हम तो कपड़ा तो भिजा था पूरा, 10 किलो लग गया था। तब हम बोले सुखा देते, मम्मी बोले सुखा दे बेटा जाके उधर। तो हम चढ़े उस गाड़ी के छत पर। अब हमको पता नहीं था कि गाड़ी की छत पर हुआ, गाड़ी करंट वाला वो उतार है। गए हम, फिर अचानक से लगा इधर। अब खस मम्मी आया बचाने के लिए, मम्मी को भी लगा। फिर पता नहीं बाद में क्या हुआ, मैं तो व्यवस्था डायरेक्ट इधर आया सुल्तानगंज से जल भर देते हैं बाबा धाम जाने के लिए। उसी तरह घटना घटना तो बाल बाल झड़ रहे हैं, गंजेपन के शिकार से बचना चाहते हो तो आ जाओ फिर इंस्टेंट हेयर सॉल्यूशन। ये सीधा तिलका मांझी चौक से आपको खानपट्टी वाली गली में मिल जाएगा। जब तुम सीधा अंदर आओगे तो फिर आ जाओगे इंस्टेंट हेयर सॉल्यूशन और देख लो अंदर का इंटीरियर, लाजवाब है। और यहाँ के रिजल्ट देख के तो मतलब मज़ा ही आ जाएगा, ये देखो है ना। तो आ जाओ फिर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप इस वीडियो के थ्रू वहाँ जाते हो तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। एंड गो फॉर इट, मजा आ जाएगा। हमारा पता है खानपट्टी रोड, तिलका मांझी चौक, भागलपुर। मोबाइल नंबर 6200643686। भागलपुर जिले के रंगरा प्रखंड के कौसकीपुर सहोरा पंचायत के वार्ड नंबर 9, 10 और 11 में कोसी नदी के कटाव ने भयावह रूप धारण कर लिया है। कोसी नदी की धारा अत्यधिक तेज होने के कारण इन 3 वार्डों में पानी पूरी तरह से फैल चुका है, जिससे लगभग 7,000 की आबादी प्रभावित हो गई है। दरअसल यह क्षेत्र जलमग्न हो जाने के कारण स्थानीय लोग भारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि और निवासियों ने सीओ और बीडीओ को लिखित आवेदन देकर इस संकट की जानकारी दी, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की राहत या बचाव कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि वहाँ के लोगों का अपने घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है और वे सड़क किनारे अस्थायी रूप से बसने को विवश हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि अमित सिंह राठौर ने बताया कि कोसी का पानी सहोरा पंचायत के अधिकांश हिस्सों में घुस चुका है, जिससे लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। साथ ही कई लोग पलायन करने पर मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन इस गंभीर स्थिति पर ध्यान नहीं दे रहा है और न ही कोई आश्वासन अब तक दिया गया है, जबकि क्षेत्र के लोग अब जिलाधिकारी से सुरक्षा और राहत की मांग कर रहे हैं, ताकि उनकी जान माल की रक्षा की जा सके और वे अपने घरों में सुरक्षित रह सके। वहीं कोसी नदी के इस कटाव ने पूरे गांव को खतरे में डाल दिया है और तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। पानी में डूब रहे हैं, घर में पानी घुस गया है सगर 10-15 दिन से, कोई देखने नहीं आता है। रोड पर हम लोग रहते हैं, माल जाल लेकर के न नाव मिलता है, न पन्नी खाना मिलता है। पन्नी वर्षा में रहते हैं, वर्षा पड़ता है तो बैठ करके रहते हैं। ऊपर से बारिश, नीचे से पानी, ऊपर से वर्षा दे रहा है, नीचे कोसी नदी का पानी। कोई राहत नहीं मिल रहा है, कोई सीओ बीडीओ कोई नहीं आता है, मुखिया तुखिया कोई नहीं, कोई नहीं आता। लंगड़ा प्रखंड से ना? हाँ। ठीक। गांव में भयावह जल संकट से हमारे ग्रामीण जूझ रहे हैं। ब्लॉक में कई बार आवेदन देने के बाद, टेलीफोनिक सूचना देने के बाद भी अभी तक एक भी कर्मचारी या पदाधिकारी देखने तक नहीं आए हैं, जिससे कि सभी लोग अपने गांव से प्लान कर चुके हैं। कटिहार जिला के 14 नंबर रोड है, जिसमें सभी विस्थापित अपना तिरपाल, बोरा, चट्टी
का तंबू लगा के रह रहे हैं। न खाने का व्यवस्था है, न पानी का व्यवस्था है, न ही सरकार के द्वारा प्लास्टिक दिया जाता है, न प्लास्टिक का व्यवस्था, कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं दिया गया। हम जिला पदाधिकारी भागलपुर से मांग करते हैं कि लंगड़ा प्रखंड के कोई भी कर्मचारी ब्लॉक से कोई भी हो उनको भेजे और सरकार के द्वारा जो उचित यहाँ पे लाभ उपलब्ध कराएं।